गुड इवनिंग फ्रेंड्स। रियल एस्टेट सेक्टर कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकॉनमी। जब जीएसटी आया, कंसर्न्स वर रेज बाय द बिल्डर डेवलपर्स बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ जीएसटी ऑन प्रॉपर्टीज। गवर्नमेंट ग्रांटेड सम रिलीफ टू सम एक्सटेंट, और लास्ट ईयर मार्च 19 में भी कुछ रेट्स कम करे गए जीएसटी के। एंड वी हैड डिस्कस्ड ऑन और स्क्वायर्ड अप ऑन कंसेशनल रेट्स फॉर मिडिल क्लास एंड अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटीज। लेकिन अगर हम प्री जीएसटी एरा में जाएं, देवर मल्टीपल टैक्सेस, वैट था, रजिस्ट्रेशन चार्जेस थे, सर्विस टैक्स था व्हेन यू पे सम एडवांसेस। जीएसटी इकॉनमी का सबसे बड़ा रिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्सेस का, और रियल एस्टेट सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयड सेक्टर एंड ऑल्सो एम्प्लॉयड सेक्टर। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हुए। इस सेक्टर को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। हर एक स्पीकर का अपना अलग मत है। कुछ चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि किसी को पता ही नहीं। जैसे अभी हाल फिलहाल में हमारे पास एक गुजरात AAR का डिसीजन आया, जिसने कहा डेवलपिंग प्लॉट या प्लॉट डेवलपमेंट के ऊपर भी जीएसटी चार्ज होगा। ऐसे में जीएसटी को समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। रियल एस्टेट की ट्रांजेक्शन्स, जॉइंट होल्डर, ट्राईपार्टी एग्रीमेंट्स, इनको लेकर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन रहती है। सो व्हेन आई थॉट ऑफ समवन हु कैन हैंडल सच कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, तो मेरे दिमाग में दो या तीन नाम आए, जिनमें से कि मैंने सबसे पहले अप्रोच करा सीए शुभम केतान जी, कोलकाता वाले को, कि सर इफ यू कैन टेक अ सेशन विद अस इट वुड बी ग्रेट ऑफ यू। एंड ही वॉज सो हम्बल, ही एक्सेप्टेड इट, एंड टूडे वी आर विद सीए शुभम केतान। गिविंग सम ब्रीफ ऑफ हिम, एकेडमिक्स के इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आई एम ऑलवेज शॉर्ट ऑफ वर्ड इनकी तारीफ करने में। सीएस इन्होंने कंप्लीट करा एट अ वेरी यंग एज ऑफ 20 ईयर्स, और 21 की एज में ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो, एंड ही हैज कंप्लीटेड 3 लेवल्स ऑफ सीएफए ऑल्सो, एंड ऑल्सो ही हैज कंप्लीटेड डीसा, जिसको हम पॉपुलरली बोलते हैं डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट बाय ICAI। ऑल्सो ही कंप्लीटेड हिज LLB फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी। करंटली ही इज वर्किंग विद द सीए फर्म, and he was a member of GST and Indirect Tax Committee of Institute of Chartered Accountants of India for 2018 and 2019. मैंने खुद GST certificate course जब CA Institute से करा, then he was my teacher, और एक session इन्होंने मेरे लिए भी उस batch में लिया जिसमें मैं भी student था। So I know कि जब ये पढ़ाते हैं तो बिल्कुल सब कुछ भूल कर सब सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और बहुत बढ़िया बोलते हैं, that I can assure you. And he is also a member of National Council of Indirect Taxes for ASSOCHAM. He is also a member of Indirect Tax Committee on Direct Taxes Professional Association and an Association of Corporate Advisor and Executives. Professional achievements, if we talk about, so he is also author, A Practical Guide on to GST on Textile Industry, he has written. And he has also drafted and vetted many books with the Institute of Indirect Tax Committee of India. और background material जो ICAI का सबसे ज्यादा famous है एंड FAQs, उस पर भी इन्होंने बहुत ज्यादा काम करा, और एक booklet भी लेकर आए हैं। And he is well known in corporates, trade association, universities for conducting trading sessions and regular contributor to various articles. हम पढ़ते रहते हैं इनके articles. So, Shubham Khaitan ji, I welcome you on our channel. And not wasting much of your time, over to you, sir. I am muting myself. Thank you, Abhishek, sir. It is very kind of you to inviting me here as a speaker on this topic. And thank you for inviting me here on this GST Panacea platform. Now, we will be discussing about, as you said, rightly mentioned, one of the most complicated aspects of GST, which is real estate, which I think has been plaguing this particular law
राइट फ्रॉम द डेज व्हेन इट हैज बीन ब्रॉट इन. शुरू से हम देख रहे हैं जीएसटी में रियल एस्टेट को लेकर काफी इश्यूज आए हैं. गवर्नमेंट ने होलसेल अमेंडमेंट्स लाए थे पिछले साल फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, wherein they made a lot of changes in the law with regard to this, जिसके बारे में हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे. इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के ऊपर क्या जीएसटी होता है, क्या इम्प्लीकेशंस है. नेक्स्ट डेवलपमेंट राइट्स के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस है, डेवलपमेंट राइट्स होता क्या है, वेदर जीएसटी इज एक्चुअली एप्लीकेबल ऑन इट. फिर उसके ऊपर क्या टाइम है, क्या वैल्यू है जिसके ऊपर जीएसटी पे होगा, एंड ऑल्सो द रेट ऑफ टैक्सेस. एंड फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे अ फ्यू ओपन इश्यूज विच आर स्टिल प्लेगिंग द इंडस्ट्री, जो हम गवर्नमेंट से जल्दी क्लैरिफिकेशन चाहते हैं. सो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं. बहुत सारे लोगों का के मन में ये सवाल आता है कि कैन एक्चुअली जीएसटी बी लेविड ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, डज द स्टेट और डज द जीएसटी लॉ हैव द पावर टू इवन लेवी टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी. वी नीड टू रिमेंबर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ लैंड और बिल्डिंग नहीं होता है. इमूवेबल प्रॉपर्टी के इंक्लूड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, जो बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग होते हैं उसको भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बुलाया जाता है. सो कितने हद तक कॉन्स्टिट्यूशनली लॉ में पावर है टू इम्पोज टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेट्स सी. अगर आप देखोगे आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट सेज कि जो टैक्सेस है लैंड एंड बिल्डिंग पे, दैट इज अ स्टेट सब्जेक्ट. तो स्टेट गवर्नमेंट ही खाली लैंड एंड बिल्डिंग पे टैक्स लगा सकती है. हाउएवर जीएसटी आने के पहले आर्टिकल 246A इंसर्ट हुआ, जिसमें कॉन्करेंट पावर्स दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, जिसने आर्टिकल 246 को ओवरराइड किया और ये बोला कि टैक्स ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी लेवीड बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट. ये आर्टिकल 246A बोलता है. एंड आर्टिकल 366(26A) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स. इसका मतलब गुड्स को छोड़कर और कुछ भी अगर होता है तो उसे हम सर्विसेज बुलाते हैं. इमूवेबल प्रॉपर्टी भी सर्विसेज में कवर्ड है. इसका मतलब आर्टिकल 246A के अनुसार आप सर्विसेज के ऊपर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों टैक्सेस लगा सकती है. नाउ हम जीएसटी लॉ की डेफिनेशन अगर पढ़ें, गुड्स और सर्विसेज दोनों की डेफिनेशन, तो गुड्स में हम देखते हैं कि बताया गया है कि इट्स ओनली कवरिंग ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, व्हेयर सर्विसेज इज कवरिंग एनीथिंग अदर देन गुड्स. That means जो property movable नहीं भी है, that is also considered to be services. So कोई भी ऐसी चीज जो movable नहीं है तो वो services के definition से cover हो जाती है, because इन्होंने किया लिखा है services means anything other than goods. ये हम GST law में section 2 का definition देख रहे हैं. इसका मतलब services के अंदर में real estate cover होती है. अगर आप देखोगे real estate transactions वो कभी भी goods में classify नहीं हो सकती GST law. अगर अपने शेड्यूल 2 देखें जो क्लासिफिकेशन की बात करता है कि क्या सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, क्या सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है जो बोलता है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर फॉर सेल टू अ बायर एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन रिसीव्ड आफ्टर द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ सीसी और डेट ऑफ फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर. इसका मतलब क्या है कि जैसे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं नीचे, मान लीजिए कि आपका सीसी आया, सीसी मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया आपका फ्रॉम म्यूनिसिपल अथॉरिटी कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है 10th अगस्त 2020 को. मान लीजिए कि ऑक्यूपेंसी अपने को मिला 15th of September 2020 को. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा प्रॉपर्टी विच एवर इज अर्लियर डेट कौन सा निकला, 10th अगस्त, राइट. अगर कोई भी प्रॉपर्टी 10th अगस्त के बाद बिकती है तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, बट 10th अगस्त के पहले बिकती है, सिंस अर्लियर ऑफ द टू 10th अगस्त है, इसके पहले कोई भी प्रॉपर्टी बिकती है दैट वुड बी कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर जीएसटी. इसका मतलब इफ लेट्स से देयर इज अ प्रॉपर्टी सोल्ड फॉर 1 crore rupees, आपने 1 rupee भी रिसीव नहीं किया बिफोर 10th of August, इन दैट केस वो प्रॉपर्टी सीसी के बाद बिकी मानी जाएगी कि बिकी है, इसलिए उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा जीएसटी. जो भी प्रॉपर्टी 10th अगस्त के पहले आपने, आप मान लो 9th अगस्त को एक प्रॉपर्टी बिकती है, उसका मान लो 1 lakh का सिर्फ इंस्टॉलमेंट मिलता है हमें, तो भी वो प्रॉपर्टी मानी जाएगी एज इफ पूरे 1 crore rupees के ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा. सो 1 rupee भी अगर वी आर रिसीविंग बिफोर सीसी, इन दैट केस इट वुड बी कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बिल्डर टू द बायर, तो उस वजह से उसके ऊपर पूरा टैक्स लगेगा.
अगर आप देखोगे फर्स्ट ऑक्यूपेंस ऑक्यूपेशन का जो डेट है इसको लेकर काफी कंफ्यूजन होती है मार्केट में. नाउ ऑक्यूपेशन का क्या मतलब है, इफ यू लुक एट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या क्या डेफिनेशन दिया हुआ है. ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का डेफिनेशन है मींस एनी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी परमिटिंग ऑक्यूपेशन ऑफ एनी बिल्डिंग विच हैज प्रोविजन फॉर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वाटर सैनिटेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी. जहां इन सब फैसिलिटीज का होना जरूरी है तभी कोई ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलेगा. अगर आप बिल्डिंग बना देते हो बट आपका मेन फैसिलिटीज अभी तक पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलता. अगर आप ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के पहले ऑक्यूपाई कर लेते हो बिल्डिंग को दैट इज कंसिडर्ड एज इलीगल ऑक्यूपेशन. तो जनरली आपको आप देखोगे कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होता है. बट कहीं कहीं पर जहां कंप्लीशन सर्टिफिकेट एप्लीकेबल नहीं है वहां हम ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ. जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो प्रॉपर्टी बिकती है उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, उसके पहले जो भी बिकी थी उसके ऊपर जीएसटी रहेगा. सो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का जो ये डेफिनेशन दिया हुआ है हमारे सामने उसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं. एक्टिविटीज विच आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. कुछ कुछ चीजों को बोला गया कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं माना जाएगा. इसमें क्या क्या चीजें कवर्ड है, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू 5B ऑफ शेड्यूल 2. 5B ऑफ शेड्यूल 2 कौन सा है, ये है 5B ऑफ शेड्यूल 2. इसका मतलब ये 5B को छोड़कर जो कंस्ट्रक्शन सर्विस की बात कर रहा है उसको छोड़कर कोई भी प्रॉपर्टी अगर सेल होती है, बिल्डिंग अगर सेल होती है तो इन दैट केस उसको सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों नहीं माना जाएगा. यानी सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग कंप्लीटेड बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लग सकता. राइट, सो एनीथिंग विच इज सोल्ड आफ्टर सीसी देयर विल बी नो जीएसटी ऑन दैट. सर्विसेज मींस एनी एक्टिविटी कैरीड आउट बाय अ पर्सन फॉर अनदर फॉर कंसिडरेशन एंड इंक्लूड्स अ डिक्लेयर्ड सर्विस. ये डेफिनेशन हम कहां से उठा रहे हैं, ये हम डेफिनेशन उठा रहे हैं सर्विस टैक्स लॉ से. सर्विस टैक्स लॉ में डेफिनेशन क्या था इमूवेबल सर्विस का वो देख रहे हैं हम लोग. सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो बात कर रही है कोई भी एक्टिविटी जो एक आदमी दूसरे आदमी के लिए करता है बट शैल नॉट इंक्लूड एनी एक्टिविटी विच मियरली कॉन्स्टिट्यूट्स अ ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन इमूवेबल प्रॉपर्टी. यानी अगर कोई एक्टिविटी जिससे टाइटल इन इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है तो उसको सर्विस नहीं माना जाएगा. Whereas GST law में हम देखते हैं कि immovable property को exclude नहीं किया गया है, title in immovable property को exclude नहीं किया गया है, सिर्फ sale of land and sale of building को GST के दायरे से बाहर किया गया है. But अगर हम sale of land और building को छोड़ दें, उसको छोड़कर जितनी भी immovable property अगर transfer होती है उसके ऊपर GST लग सकता है. So let's look at what can be other kinds of immovable property. Let's look at the different definitions of immovable property which is given under different laws. Registration Act क्या बोलता है कि immovable property includes land, building or any other benefits arising out of land. और भी चीजें बोली गई हैं, हम उसमें जा नहीं रहे हैं, बट कोई भी चीज जो इसमें land, building and benefit arising out of land को भी cover किया गया immovable property में. General Clauses Act देखें तो भी benefit arising out of land separately mentioned है. Transfer of Property Act देखें तो एक एक्सक्लूडिंग डेफिनेशन दिया हुआ है उसमें दैट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास. तो वो एक एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, वो इंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है. तो इसको छोड़कर ये बोलते हैं सब चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है. नाउ रेरा का डेफिनेशन अगर हम देखें तो रेरा में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया लैंड, बिल्डिंग और बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड. नाउ इसके दो इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं. हम अगर डेवलपमेंट राइट की बात करें, व्हाट इज डेवलपमेंट राइट, डेवलपमेंट राइट होता है मान लो कि मैं लैंड ओनर हूँ, आप बिल्डर हो, अब मेरी प्रॉपर्टी है लेकिन मैं बेच नहीं सकता उस प्रॉपर्टी, मैं उस प्रॉपर्टी को आप मान लो कि मैं आपको डेवलप करने देता हूँ कि आप इसके ऊपर डेवलपमेंट करो और उसके बाद 40% प्रॉपर्टीज आप मुझे दे देना, 60% प्रॉपर्टीज आप रख लेना और 40% प्रॉपर्टी मुझे मेरे लैंड के अगेंस्ट कंसिडरेशन मान लिया जाएगा. इसलिए मैंने आपको डेवलपमेंट राइट दिया कि आप मेरे प्रॉपर्टी पे आके डेवलपमेंट करो और आपने उसके अगेंस्ट मुझे कंस्ट्रक्शन की सर्विस दी. राइट, नाउ ऐसा लॉ बोलता है कि बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड वो इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा. अगर हम डेवलपमेंट राइट की बात करें
वो मेरे लिए ट्रांसफर ऑफ लैंड नहीं है, मैं आपको लैंड नहीं बेच रहा, मैं आपको लैंड से जो बेनिफिट होने वाला है, बेनिफिट क्या है मेरा लैंड से, कि मैं उस पर डेवलपमेंट कर सकता हूँ, वो बेनिफिट मैंने आपको दे दिया, उस राइट को मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया, दैट इज वाई दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो राइट मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया, इट वुड बी कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो सर्विस टैक्स का डेफिनेशन अगर हम देखें जो एक्सक्लूड करता था ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन इमूवेबल प्रॉपर्टी को, तो वो सर्विस टैक्स के डेफिनेशन से तो बाहर था, बट जीएसटी का डेफिनेशन अगर हम देखें तो सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग सिर्फ बाहर है, सेल बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो जीएसटी के एम्बिट से बाहर नहीं किया गया स्पेसिफिकली, राइट। तो अगर हम वो लॉजिक लें तो हम ये बोल सकते हैं कि बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड यानी डेवलपमेंट राइट्स कैन बी कंसिडर्ड एज टैक्सेबल। हैविंग सेड दिस, देयर इज ऑल्सो अ सेकेंड व्यू टू दिस जो ये बात बोलता है कि बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू लैंड। देर आर लॉट ऑफ जजमेंट्स, अगर आप लैंड एक्विजिशन एक्ट पढ़ोगे, अगर आप कपल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पढ़ोगे, उसमें क्या बोला गया कि लैंड और बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एक ही चीज है। तो अगर हम उस लॉजिक पे जाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट इज लैंड इटसेल्फ, सो ट्रांसफर ऑफ लैंड इज नॉट टैक्सेबल, तो डेवलपमेंट राइट इज नॉट टैक्सेबल। हैविंग सेड दिस, गवर्नमेंट का इंटेंशन काफी क्लियर है, दे आर वॉन्टिंग टू टैक्स द डेवलपमेंट राइट्स। अगर हम अग्रेसिव व्यू लेके चलें कि हम इसके ऊपर टैक्स ही नहीं दें, ऑफकोर्स वी विल बी देर विल बी लिटिगेशन, एंड इन फ्यूचर क्या रिजल्ट आता है दैट ओनली फ्यूचर में डिसाइड होगा, सो वी आर नॉट रियली श्योर अबाउट दैट। सो हम एक जब हम ये आज कवरेज करेंगे, हम लॉ में क्या बोला गया है डेवलपमेंट राइट को लेकर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लीगल पोजिशन जो है टैक्सेबिलिटी को लेकर वो हम अभी डिस्कस कर ले रहे हैं, जिसमें फॉर अगेंस्ट व्यू दोनों है विद रिगार्ड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, वेदर इट इज टैक्सेबल, वेदर डेवलपमेंट राइट इज टैक्सेबल और नॉट। सो मैंने आपको दोनों व्यू बताया। अब अगर आप यहाँ देखोगे कुछ और व्यू है जो ये सपोर्ट करता है कि बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड इज टीडीआर है और टैक्सेबल है, तो अगर हम यहाँ शेडा हाउसिंग डेवलपमेंट का जजमेंट देखेंगे तो इसमें क्या बोला गया है, टीडीआर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट इज अ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। उसके बाद सदोदय बिल्डर्स का अगर हम जजमेंट देखेंगे तो उसमें भी क्या बोला गया है कि ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट भी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है और इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा उसको। सिंस वो इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा उसके ऊपर आइडियली टैक्स सर्विस टैक्स में नहीं लगना चाहिए, बट अगर हम जीएसटी की बात करें तो बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है और इमूवेबल प्रॉपर्टी इज बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, तो उसके ऊपर टैक्स लग सकता है। सो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक, बेस्ड ऑन दी जजमेंट्स, वी आर प्रोसीडिंग विद द लॉजिक की सिंस इमूवेबल प्रॉपर्टी है बट बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा, बिकॉज जीएसटी लॉ हैज द पावर टू इम्पोज टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी भले ही लैंड और बिल्डिंग इसके बाहर हो। अगर हम एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का भी एक लॉजिक निकालें जो क्या बोलता है कि सेल क्या चीज की होती है, सेल इज सच ट्रांसफर इन द केस ऑफ टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज एंड अपवर्ड्स। सो सेल क्या होता है, कोई टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, राइट। सो कोई अगर इनटैंजिबल प्रॉपर्टी है तो उसको हम लोग सेल नहीं मान सकते एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, राइट। हम अगर आप देखोगे तो जीएसटी लॉ से क्या एक्सक्लूडेड है, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग। सेल का डेफिनेशन तो हमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से ही लेना होगा। नाउ जो डेवलपमेंट राइट्स है वो डेफिनेटली टैंजिबल तो नहीं है, आप उसको टच नहीं कर सकते। जो बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है या फिर जो डेवलपमेंट राइट है उसको एट बेस्ट आप इनटैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी बोल सकते हो। मुंबई ट्राइब्यूनल का जो जजमेंट है लाल मोहन दास के केस में वो भी यही बात बोलता है कि टीडीआर आर इनटैंजिबल प्रॉपर्टी और इनटैंजिबल प्रॉपर्टी का सेल नहीं हो सकता एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से आप टैंजिबल प्रॉपर्टी को साथ साथ इनटैंजिबल के बेच सकते हो, बट सिर्फ इनटैंजिबल प्रॉपर्टी अगर आप बेचते हो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सेल। इसका मतलब सेल का डेफिनेशन ओनली ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स को कवर नहीं करता। सिंस सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग टैक्सेबल है और बट सेल वर्ड ही कवर नहीं कर रहा है डेवलपमेंट राइट को, तो सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग में डेवलपमेंट राइट इंक्लूड नहीं हो सकता।
इस वजह से एक्सक्लूजन जीएसटी में जो दिया हुआ है सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग का, उसमें फॉल नहीं करेगा डेवलपमेंट राइट्स, और इस वजह से इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। नाउ हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे एज पर जीएसटी लॉ, जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पे। पहले हम बात करते हैं अपार्टमेंट्स की, जो डिफाइन किया गया है और जीएसटी लॉ में बोला गया है कि दैट अपार्टमेंट का मीनिंग वही होगा जो रेरा में है। सो रेरा में जो मीनिंग दिया हुआ है अपार्टमेंट्स का, वही मीनिंग दिया जाएगा जीएसटी लॉ में। सो रेरा में क्या बोला गया है, अपार्टमेंट्स का मतलब कोई भी यूनिट आप बोलो, मीन्स अ सेल्फ सेपरेट एंड सेल्फ कंटेन्ड पार्ट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी एक अलग सा यूनिट होना चाहिए, एक अलग सा इंक्लोज स्पेस होना चाहिए, एक अलग सा जगह होना चाहिए, राइट? सो उसको हम बुला सकते हैं, एक सेल्फ कंटेन्ड पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट? और उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि उसमें या तो एक रूम होगा या इनक्लोज स्पेस होगा, एक से ज्यादा रूम्स भी हो सकते हैं, कहीं में कोई भी फ्लोर पे लोकेटेड होना चाहिए, इन अ बिल्डिंग और ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड, या तो बिल्डिंग पे या फिर कोई लैंड पे। अगर लैंड पे भी एक सिंपल सा अपार्टमेंट बना हुआ है तो भी वो अपार्टमेंट कहलाएगा, और उसका यूज या तो रेसिडेंशियल हो सकता है या कमर्शियल हो सकता है, कोई भी तरीके से हो सकता है उसका यूज, राइट? तो पॉइंट इज कि अपार्टमेंट का जो डेफिनेशन है वो कोई सेल्फ कंटेन्ड यूनिट होना जरूरी है, कोई अलग सा यूनिट होना जरूरी है। कोई कॉमन एरिया को अपार्टमेंट नहीं बोल सकते हो, वो एक एरिया जो इनक्लोज्ड है, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, पर्सन के यूज के लिए है, अलग से बनाया गया है, या रेसिडेंशियल या कमर्शियल, उसी को हम अपार्टमेंट बोलेंगे। नाउ अगर हम रेसिडेंशियल अपार्टमेंट का डेफिनेशन देखते हैं, तो इसके अंदर रेसिडेंशियल यूज लिखा हुआ है, अपार्टमेंट इंटेंडेड फॉर रेसिडेंशियल यूज। कमर्शियल अपार्टमेंट का डेफिनेशन देखते हैं, तो अपार्टमेंट अदर देन रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, मतलब कोई भी अपार्टमेंट जिसका अदर देन रेसिडेंशियल यूज हो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है सच एज रेसिडेंस लिखा हुआ है, रेसिडेंस वर्ड को छोड़कर कितने सारे और दिखे हुए चीजें, ऑफिस भी कमर्शियल अपार्टमेंट है, शॉप भी कमर्शियल अपार्टमेंट है, शोरूम, गोडाउन, और फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, बिजनेस और ट्रेड, इन सबको आप बुलाओगे एक कमर्शियल अपार्टमेंट, राइट? Now, an apartment booked on or before the date of issuance of CC or first occupation, क्या होता है? वो apartment जो before CC कब booked मानते हैं, जैसे हमने बताया था आपको कि 10th August 2020 को अगर कोई project complete हुआ और 9th August 2020 को अगर आपने apartment कोई बेचा, तो in that case it will be considered as apartment booked before CC, उसके ऊपर tax लगेगा। नाउ इन्होंने इसको डिफाइन कर दिया कि कब हम मानेंगे उस पर टैक्स लगेगा। फर्स्ट, कोई भी पार्ट ऑफ द सप्लाई हैज टाइम ऑफ सप्लाई ऑन और बिफोर द डेट सेट डेट, यानी जो टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन है विच सेज दैट बिफोर 10th ऑफ अगस्त दिस मच वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी लाइक एज पर टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इट हैज बीन मेंशनड दैट फॉर एग्जाम्पल इफ द ड्यू डेट इज मेंशनड इन द कॉन्ट्रैक्ट, इफ ड्यू डेट इज मेंशनड इन द कॉन्ट्रैक्ट, इन दैट केस the due date on which it is to be constructed will be considered as the date on which time of supply occurs, due date of payment. Agar koi due date nahi mentioned hai, in that case the actual date of payment, or jahan pe completion is linked to an event, matlab maan lo second floor ki casting complete hui to aapko 10% payment dena hai, ya fir contract sign hote hi 5% aapko payment dena hai ya 10% payment dena hai. So in this case agar time of supply before होता है, अगर आपका बिफोर 10th अगस्त जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें 10th अगस्त को सीसी आया था, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कंसिडरेशन इक्वल टू एटलीस्ट वन इंस्टॉलमेंट हैज बीन क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट, यानी एटलीस्ट एक इंस्टॉलमेंट का पैसा तो मिल जाना चाहिए इस दिन के पहले, एटलीस्ट एक इंस्टॉलमेंट तो आ जाना चाहिए। और नेक्स्ट, आप प्रॉपर्टी कैसे बुक करते हो, या तो आपको डेवलपर एक अलॉटमेंट लेटर देगा कि हमने आपको ये प्रॉपर्टी अलॉट की है, या फिर एक सेल अग्रीमेंट करेगा कि यू विल बी दिस प्रॉपर्टी इज नाउ बुक्ड इन योर नेम, और आप इसका कन्वेयंस डीड कंप्लीट हो जाएगा जब ये प्रॉपर्टी का सीसी आता है, बट एक अग्रीमेंट टू सेल तो पहले ही बन जाता है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज सेल अग्रीमेंट। नाउ प्रोजेक्ट का क्या डेफिनेशन दिया हुआ है,
नाउ ये डेफिनेशन हम किस लिए कवर कर रहे हैं, आप देखोगे कुछ देर बाद इन सब डेफिनेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जैसे हम पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख ले रहे हैं। प्रोजेक्ट दो टाइप के होते हैं एज पर जीएसटी लॉ, एक है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, दूसरा है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का डेफिनेशन रेरा से हमें उठाना है, जो क्या बोलता है, डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग को आप कवर करोगे रियल इसमें प्रोजेक्ट में, कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाते हैं तो भी वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कहलाएगी। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ लैंड इनटू प्लॉट्स, सो अगर हम लैंड को प्लॉट्स बनाते हैं तो भी वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में कवर्ड है, राइट, फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग। और ये भी जरूरी है कि हम ये प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं सेल्फ यूज के लिए नहीं बना रहे हैं। अगर हम प्रॉपर्टी खुद किसी डेवलपर को बोल के बनवाते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोल के बनाते हैं, मेरी खुद की लैंड है जिसपे मैं प्रॉपर्टी खड़ी करवाता हूँ और कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देता हूँ उसके, बट और खुद रखना चाहता हूँ उस प्रॉपर्टी को, तो वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं कहलाएगा। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वही होता है जो बनाया इसीलिए जा रहा है क्योंकि उसे बेचा जा सके, राइट। डेफिनेशन एज पर 3/2019, अगर आप रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की डेफिनेशन देखोगे तो बोला गया है कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जिसमें कमर्शियल अपार्टमेंट्स का जो एरिया है वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल कार्पेट एरिया का। सो अगर आप एक प्रॉपर्टी बना रहे हो जिसमें 1,00,000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है, राइट, उस 1,00,000 स्क्वायर फीट में 15,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा यदि कमर्शियल अपार्टमेंट्स होता है तो वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कहलाएगा। अगर 15% से कम होता है कमर्शियल अपार्टमेंट्स, बाकी सारा रेसिडेंशियल है, तो वो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कहलाएगा। दोनों के टैक्सेबिलिटी में थोड़ा अंतर है जो हम कुछ देर बाद समझेंगे। फिर हम तीसरी टाइप की प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो अभिषेक जी भी कुछ देर पहले बता रहे थे, अभिषेक सर भी बोल रहे थे, अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, जो लास्ट ईयर इन्होंने बताया कि कोई भी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट जिसका कारपेट एरिया अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज के हिसाब से 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज को अगर छोड़ दें 90 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, फॉर विच ग्रॉस अमाउंट चार्ज इज नॉट मोर देन 45 लाख्स, यानी टोटल ग्रॉस अमाउंट उसका 45 लाख से कम होना चाहिए। नाउ इसमें हम कारपेट एरिया से क्या समझते हैं, कारपेट एरिया और ग्रॉस अमाउंट दो चीजें इंपॉर्टेंट है। कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, 90 स्क्वायर मीटर्स इन अदर प्लेसेस। नाउ कारपेट एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया मतलब कोई भी नेट यूजेबल फ्लोर एरिया, कोई भी प्रॉपर्टी है उसके अंदर का फ्लोर एरिया, और हम उसके बाहर की दीवार को एक्सक्लूड करेंगे, कोई भी सर्विस शाफ्ट्स है, सर्विसेज के लिए कोई भी शाफ्ट्स है, मान लो लिफ्ट का अगर कोई इंतजाम किया हुआ है तो वो सबको एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूसिव बालकनी अगर है, यानी ओपन एरिया है, ओपन टेरेस एरिया है, कोई बालकनी है आपका, तो वो भी एक्सक्लूड होता है कारपेट एरिया में, बट इंटरनली अगर आपके बीच में कोई पार्टीशन वॉल बनाया हुआ है तो वो इंक्लूड होगा। तो आपको ये जो एरिया है ये 60 स्क्वायर मीटर मेट्रोपॉलिटन और 90 स्क्वायर मीटर अदर प्लेसेस पे कम होना चाहिए। ग्रॉस अमाउंट एज 3/2019, सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी आप कोई भी कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका तो चार्जेस इंक्लूड होगा ही, प्लस अमाउंट चार्ज फॉर ट्रांसफर ऑफ लैंड, यानी लैंड वैल्यू भी जो है उसको भी आप इंक्लूड करोगे। थर्ड, कोई भी स्पेसिफिक चार्जेस आप लेते हो, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, कॉमन फैसिलिटी चार्जेस, इन सब को इंक्लूड किया जाएगा ग्रॉस अमाउंट के अंदर। इफ इंक्लूडिंग ऑल दीज वैल्यू द अमाउंट कम्स आउट टू लेस देन 45 लाख्स, इन दैट केस इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। बट वी नीड टू रिमेंबर दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दोज केसेस वेयर आइदर इट्स अ न्यू प्रोजेक्ट स्टार्टिंग आफ्टर 1st April 2019, और दोज प्रोजेक्ट्स विच वर ऑन गोइंग एज ऑन 1st April, बट उसमें आपने 1% का रेट ऑप्ट किया, 5% का रेट ऑप्ट किया, आपने अगर 12% वाला रेट ऑप्ट किया है उसके लिए ये अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट कवर्ड नहीं है। उनके लिए क्या केसेस है, उनके लिए टाइप बी है। टाइप बी क्या बोलता है कि अगर आपका कोई भी सेंट्रल और स्टेट हाउसिंग स्कीम में है, बहुत सारे हाउसिंग स्कीम बना के रखे हैं गवर्नमेंट ने, अफोर्डेबल हाउसिंग इन द अंडर स्कीम ऑफ पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, उसके बाद कोई इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस आपको मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस में क्या होता है कि अगर आपके प्रोजेक्ट में 50% से ज्यादा फ्लैट 60 स्क्वायर मीटर से कम है तो इन दैट केस वो अफोर्डेबल रेसिडेंशियल हाउसिंग में आ जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे 45 लाख का कोई लिमिट नहीं है जो पहले वाले प्रॉपर्टी में था, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का कोई लिमिट नहीं है,
तो 45 लाख से ज्यादा भी होगा तो भी वो टैक्स उसका कम लगेगा। यानी इस अगर वो इस सेकंड केस ऑफ सेंट्रल या स्टेट रेसिडेंशियल हाउसिंग स्कीम में या तो इंस्टीट्यूट स्लम डेवलपमेंट हो गया, इन सारे कोई भी स्कीम में अगर फॉल करते हैं हम, तो हमारा टैक्स रेट विल बी 12% इंटू 2/3, यानी 8% हमारा इफेक्टिव टैक्स आएगा। अगर हम इसमें फॉल नहीं करते हैं, तो हमें 18% इंटू 2/3 12% देना पड़ेगा, राइट? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट किसे कहलाएंगे? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जीएसटी लॉ में काफी बार यूज किया गया है। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मीन्स दैट प्रोजेक्ट विच इज मीटिंग ऑल द कंडीशंस एज गिवन बिलो। व्हाट आर द कंडीशंस? कमेंसमेंट सर्टिफिकेट इशूड ऑब्लिक सर्टिफाइड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड सर्टिफाइड बाई आर्किटेक्ट चार्टर्ड इंजीनियर लाइसेंस सर्वेयर दैट कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन और बिफोर 31st March। यानी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लगेगा जो इशू करेगा एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर इशू नहीं भी करता तो एटलीस्ट सर्टिफाई करेगा कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था बिफोर 31st March। साथ साथ एक इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट, चार्टर्ड इंजीनियर, आर्किटेक्ट या फिर लाइसेंस सर्वेयर का भी एक सर्टिफिकेट लगेगा कि ये प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गया था बिफोर दिस डेट। सेकंड, कि इसका सीसी नहीं मिला, ये इंश्योर होना चाहिए हमें बिफोर 31st March। थर्ड, अपार्टमेंट बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट हैव बीन पार्टली और होल्ली बुक्ड ऑन और बिफोर 31st March 2019। कोई भी प्रॉपर्टी जो पार्टली और होल्ली बुक्ड हो जाती है बिफोर 31st March 2019 भी इसमें कवर हो जाएगी, राइट? सो ये भी इंश्योर करना है कि उसका बुकिंग कुछ ना कुछ होना चाहिए बिफोर 31st March। अगर बुकिंग नहीं हुआ तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं कहलाएगा। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ऑल्सो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट का डेफिनेशन दिया गया है जो हमने फर्स्ट क्लॉज में बात किया था कि द कमेंसमेंट सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अलाउ और परमिट द प्रमोटर टू बिगिन डेवलपमेंट वर्क्स ऑन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर द सैंक्शन प्लान। जो भी सैंक्शन प्लान है उसके हिसाब से अगर हमें अगर डेवलपमेंट स्टार्ट करवाना है तो हमें उसके लिए कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लगता है विद द रेलेवेंट अथॉरिटी। सो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जनरली जो होते हैं, लोकल अथॉरिटीज, वो आपको ये इश्यू करके देते हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन कहलाएगा? सो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज वी सेड, इसका मतलब इज लोकल अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी क्रिएटेड और एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ विच एक्सरसाइजेस अथॉरिटी ओवर लैंड अंडर दिस ज्यूरिसडिक्शन। यानी जिसका उस लैंड के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन है, जिसका अथॉरिटी है, खाली वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहलाएगा। डेफिनेशन रेरा के हिसाब से क्या दिया हुआ है? रेरा बोलता है कि लोकल अथॉरिटी मीन्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और लोकल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग म्यूनिसिपल सर्विसेज। यानी कोई भी लोकल अथॉरिटी अपने बोलेंगे उनको जो या तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या लोकल बॉडी है जो म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रेरा के हिसाब से। हमने सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो हमने कवर कर लिए। यहाँ से हमने अपार्टमेंट्स, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, अफोर्डेबल हाउसिंग, कार्पेट एरिया, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर कर लिए जो हमें हेल्प करेंगे समझने में कि आगे जीएसटी के रेट्स वगैरह क्या एप्लीकेबल, राइट? फर्स्ट, जीएसटी रेट्स फॉर न्यू रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अगर आप याद करो, हमने रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है, ये प्रोजेक्ट में अगर आप मान लो 1 लाख स्क्वायर फीट अगर एरिया है तो एज आई सेड 15,000 स्क्वायर फीट से कम एरिया अगर आपका कमर्शियल अपार्टमेंट्स का है तो वो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कहलाएगा, राइट? तो अगर मानो आपने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया आफ्टर 1st April 2019, अगर ये 1st April 2019 के बाद स्टार्ट किया वो प्रोजेक्ट है तो इन दैट केस हमें बाइफर्केट करना पड़ेगा अंडर टू हेड्स, अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट एंड अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स। अंडर अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स रेट विल बी 1.5% इनटू 2/3 इज इक्वल्स टू 1%। 1% रेट वुड बी एप्लीकेबल इफ यू नो लैंड डिडक्शन इज 1/3 ऑलवेज व्हिच इज गिवन। सो अगर आप नोटिफिकेशन 11 का पॉइंट पैरा 2 पढ़ोगे तो वो क्या बोलता है कि इन एवरी केस wherever द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड अलॉन्ग विद लैंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड, in that case the land value will always be deemed to be 1/3 and the construction service will be deemed to be 2/3 of the total amount charged. So agar hum kisi se maan lo aap 75 lakhs mein property bech rahe hain, 75 lakhs into 2/3 kitna hua, 50 lakhs hua,
50 लाख के ऊपर 1.5% यानी 1% ऑफ 50 लाख जीएसटी चार्ज होगा। अदर देन रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स क्या होगा, 7.5% इनटू 2/3 व्हिच इज इक्वल्स टू 5%। तो यानी अगर ये प्रॉपर्टी अफोर्डेबल में फॉल नहीं करता, अफोर्डेबल अगर आपको याद करो हमने टाइप ए टाइप बी करके यहाँ डिस्कस किया था, 60 स्क्वायर मीटर 90 स्क्वायर मीटर 45 लाख स्टेट हाउसिंग स्कीम है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस में क्या होता है कि मोर देन 50% ऑफ द कार्पेट एरिया ऑफ द फ्लोर एरिया रेशियो FAR शुड बी ऑफ प्रॉपर्टीज विच आर हैविंग लेस देन 60 स्क्वायर मीटर। सो इन सब में अगर फॉल करेगा तो टाइप बी में आएगा। अगर ये अफोर्डेबल हाउसिंग है तो ही ये फर्स्ट केस एप्लीकेबल है, नहीं तो ये सेकंड केस होगा जिसमें 7.5% इनटू 2/3 इज इक्वल्स टू 5% रेट लगेगा, 1/3 लैंड रिडक्शन वुड स्टिल रिमेन द सेम। कमर्शियल अपार्टमेंट्स में इट्स अ वेरी बिग सरप्राइज हियर, 7.5% इनटू 2/3 इज इक्वल्स टू 5%। सो कमर्शियल अपार्टमेंट्स में भी इफ यू लुक एट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर भी 5% रेट ही चार्ज होगा अगर वो रियल अगर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में अगर आप कमर्शियल अपार्टमेंट्स बनाते हो तो 1/3 का लैंड डिडक्शन आपको मिलेगा और 5% का टैक्स चार्ज किया जाएगा, राइट? अगर वो सिर्फ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं है, तो इन दैट केस अफोर्डेबल और अदर देन अफोर्डेबल पे तो रेट सेम है 1% एंड 5% रेस्पेक्टिवली, बट कमर्शियल अपार्टमेंट्स पे रेट विल बी 18% इनटू 2/3। यानी अगर आप देखोगे 1 अप्रैल से जो रेट चेंज हुआ है वो कमर्शियल अपार्टमेंट्स पे चेंज नहीं हुआ है, वो सिर्फ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स पे चेंज हुआ है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला आपको ये टैक्स चार्ज करना पड़ेगा 1% या 5% और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। बट कमर्शियल अपार्टमेंट्स पे वही पुराना वाला स्कीम एप्लीकेबल है, यानी 18% जीएसटी जिसके ऊपर 1/3 लैंड डिडक्शन मिलेगा, 2/3 वैल्यू उसके ऊपर इफेक्टिव रेट 12% है और इसके अगेंस्ट आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। तो अगर आप रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की बात करें, यहाँ पे आपको ITC नहीं मिलता, यहाँ ITC एज अ डेवलपर ITC कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पे ITC जरूर मिलेगा हमें, बट ITC हमें अंडर रूल 42-43 हमें रेस्ट्रिक्ट करेगा कि आप खाली कमर्शियल अपार्टमेंट्स के रिस्पेक्ट में क्रेडिट ले सकते हो, रिस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। हमने बात कर लिया जो प्रोजेक्ट 1 अप्रैल के बाद स्टार्ट हो रहा है, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट दोनों के बारे में। अब हम बात करते हैं वो केस जहां पे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, यानी 1 अप्रैल 2019 के पहले ही प्रोजेक्ट का कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आ गया था बट कंप्लीशन नहीं हुआ था और उसका बुकिंग स्टार्ट हो गया था, तो इन दैट केस वो प्रोजेक्ट्स का क्या हुआ। इन दोज केसेस जो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट जो REP थे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, यानी जहां पे 15% से ज्यादा रेट था, 15% से ज्यादा था कमर्शियल अपार्टमेंट्स का, तो इन दैट केस दैट विल बी कंसिडर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, राइट? तो इन सब केस में एज ऑन 1 अप्रैल गवर्नमेंट ने हमें एक ऑप्शन दिया और बोला कि जो भी रेसिडेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आप जो पहले टैक्स दे रहे थे 12% या फिर 18%, या तो आप उसको कंटिन्यू करो या फिर आप नया रेट ऑप्ट करो 1% या 5%। अगर आप नया रेट अगर आप पुराना रेट कंटिन्यू करते हो तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली एट द टाइम ऑफ CC यू विल हैव टू रिवर्स द ITC जो भी अनसोल्ड फ्लैट्स के हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट। अगर आप मान लो कि आप ओल्ड रेट ऑप्ट किए हो 12% आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो ओनली एट द टाइम ऑफ CC आप क्या करोगे, आप फाइंड आउट करोगे कितना ITC आपका जो अक्यूमुलेट हुआ है या फिर जितना भी आपका ITC आपने लिया है टिल डेट, वो ITC को आप सेग्रीगेट करोगे एंड यू विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट पोर्शन ऑफ दैट ITC इज एट्रिब्यूटेबल टू दोज अपार्टमेंट्स व्हिच रिमेन्ड अनबुक्ड एट द टाइम ऑफ CC। जो भी अपार्टमेंट्स अनबुक्ड थे एट द टाइम ऑफ CC इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज आपका ITC का ऑटोमेटिक रिवर्सल हो जाएगा, राइट? ओके, एंड अगर आप मान लो कि आप नया रेट ऑप्ट करते हो, नए रेट के लिए गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला दिया, उसके ऊपर हम इनडेप्थ अभी नहीं जा रहे हैं बिकॉज 1 अप्रैल को गवर्नमेंट ने बताया कि आपको रिवर्सल करना है बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला में गवर्नमेंट ने बोला इसका पार्शियल कंप्लीशन हुआ है प्रोजेक्ट का, तो जब तक प्रोजेक्ट पार्शियली कंप्लीट हुआ है बेस्ड ऑन दैट आपको जब तक पार्शियली कंप्लीट हुआ है तब तक ITC मिल जाएगा। उसका एक फॉर्मूला दिया हुआ था कैसे डिटरमाइन करेंगे उसको, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इट विल टेक सम टाइम टू डिस्कस, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द मैथमेटिक्स एज ऑफ नाउ, बट लॉजिक यही था कि जो भी ITC एट्रिब्यूटेबल है अप टू 31st मार्च 2019
उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा और आप उसको आउटवर्ड में अपने यूज भी कर सकते हो। आपने जो टैक्स दिया 12% या 18% इन केस ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, बट 1 अप्रैल से सिंस आप नए स्कीम में जा रहे हो और आप 5% या 1% चार्ज कर रहे हो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको आईटीसी जो है वो नए अपार्टमेंट्स के रिस्पेक्ट में नहीं मिलेगा। सो रेसिडेंशियल और अफोर्डेबल अफोर्डेबल और अदर देन अफोर्डेबल दोनों रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स के केस में अगर आप 1% और 5% एज द केस में भी अगर आप ऑप्ट करते हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। और आपने पहले जो आईटीसी लेकर रखा है उसका प्रो रेटा फॉर्मूला फाइंड आउट करके आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। हाउएवर आईटीसी जो कमर्शियल अपार्टमेंट्स के रिस्पेक्ट में है, अगर आपने नया रेट ऑप्ट किया है तो भी आप उसको ले सकते हो, तो आईटीसी उसके रिस्पेक्ट में रिवर्स नहीं होगा, ओनली रेसिडेंशियल के रिस्पेक्ट में रिवर्स होगा। कमर्शियल अपार्टमेंट्स में हमें अब याद रखना है, अभी भी रेट अगर भले ही नया स्कीम ऑप्ट किया गया है तो रेट विल स्टिल बी 18% × 2/3। वाई? बिकॉज हम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जहां पे कमर्शियल का रेट इज मोर देन 15%, तो ये रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं है। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हो या नया प्रोजेक्ट हो, अगर 15% से ज्यादा अगर आपका कमर्शियल का एरिया है तो आपको 18% × 2/3 12% पे करना होगा। लेकिन अगर वो ओल्ड प्रोजेक्ट है और आपने ओल्ड रेट पे कंटिन्यू किया, सारे अपार्टमेंट्स पे आपको जो है 12% या 18% पे करना होगा विद आईटीसी। सो ये लॉजिक है इसका। अब बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है, हमने पहले बात किया था रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का, अब हम बात करते हैं रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो बोलता है कि अगर आप या तो पुराने स्कीम में रह सकते हो या नए स्कीम में आ सकते हो, जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। अगर आप पुराने स्कीम में रहते हो, इन दैट केस एज ऑन द कमर्शियल अपार्टमेंट्स द रेट विल स्टिल कंटिन्यू टू बी 18% × 2/3 और अफोर्डेबल और रेसिडेंशियल और अदर देन अफोर्डेबल के ऊपर मैंने ऑलरेडी बता दिया इफेक्टिव रेट विल बी 8% or 12% एज द केस में। बट इफ यू ऑप्ट फॉर द न्यू स्कीम, इन दैट केस ऑन ऑल द अपार्टमेंट्स इन केस ऑफ रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट द रेट विल बी 1% or 5% एज द केस में। इवन इन केस ऑफ कमर्शियल अपार्टमेंट्स रेट विल नॉट बी 12% बट 5% एंड यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू आईटीसी इन केस ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। ओनली इफ इट्स अ न्यू प्रोजेक्ट देन यू विल बी only in case of real estate projects, in case of commercial apartments, you will be entitled to for ITC. But in case of residential real estate project, if you are opting for the new rate, then ITC will not be available. Right? So this is important for us. Okay. बात करते हैं contractors की और subcontractors की। जो कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स है, मतलब इसका मतलब होता है कि बिल्डर पूरी प्रॉपर्टी खुद नहीं बनाता, वो हो सकता है किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करे जो उसके बिहाफ में प्रॉपर्टी को कुछ कंस्ट्रक्शन करके दे। जो बिल्डर खुद हायर करता है वो कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर के लिए काम करता है, और जिसमें कॉन्ट्रैक्टर अपना मटीरियल भी ला सकता है, अपना लेबर भी ला सकता है, बिल्डर इनको एंगेज करके प्रॉपर्टी बनवाता है। नाउ जो कमर्शियल है और अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल हाउसिंग है, उसके केस में तो रेट 18% एप्लीकेबल है, नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्टर्स का रेट है। बट अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते हो, अफोर्डेबल हाउसिंग का भी कंडीशन है कि मिनिमम 50% ऑफ द कारपेट एरिया शुड बी अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स, यानी मोर देन 50% आपका 60 square meters मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में 90 square meters, इससे ज्यादा होना चाहिए आपका 60 square meters, 90 square meters से ज्यादा। अगर है तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स में आता है। कॉन्ट्रैक्टर्स को अधिकार है कि वो 12% चार्ज करेगा, कॉन्ट्रैक्टर्स विल नॉट चार्ज 18% इन दैट केस, दे विल बी चार्जिंग 12% जीएसटी, राइट? दैट वेज सिंस आईटीसी इज नॉट अवेलेबल एंड टैक्स रेट इज 1% फॉर पीपल हु आर गेटिंग देयर बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, द कॉस्ट व्हिच गोज अप बाय 6% in case of commercial and other than affordable residential housing is not will not be applicable in case of affordable residential apartments. So jo builder hai, he will be in a better situation because he will be because unka jo ITC isme milta nahi hai, jo unka cost banta hai, jo bhi inward supply hai uske upar cost banta hai, that cost will not accumulate, so 6% ka jo extra accumulation hota hai wo nahi hoga। however
मान लो आपने कि बिल्डर ने डिक्लेरेशन दिया कॉन्ट्रैक्टर को कि मेरा मिनिमम 50% कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर से कम है और 45 लाख से कम में बिकेगा, बट मान लो 45 लाख से कम में नहीं बिकता, उससे ज्यादा में बिक जाता है, इन दैट केस 50% ऑफ द टोटल कारपेट एरिया से ज्यादा अफोर्डेबल हाउस 50% से कम पहुंच जाता है अफोर्डेबल हाउसिंग में. यानी आपने सोचा था कि एटलीस्ट 7000, मान लो आपकी 1 लाख स्क्वायर फीट का है, 70,000 आपने सोचा था कि अफोर्डेबल हाउसिंग रहेगा हमारा, बट इवेंचुअली अगर हम प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो देखते हैं खाली 45,000 बचा, यानी 55% अदर देन अफोर्डेबल हाउसिंग रह गया. तो इन दैट केस जो रेट चार्ज हो गया 18%, दैट इज रॉन्ग. सो इसमें कॉन्ट्रैक्टर की लाइबिलिटी नहीं आएगी, इसमें बिल्डर की लाइबिलिटी आएगी, बिकॉज ही विल हैव टू पे 6% ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, राइट. अब कुछ कुछ लॉ में कंडीशंस दिए गए हैं कि अगर आपको नया रेट ऑप्ट करना है, यानी आप ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चला रहे हो और अगर आपको नया रेट ऑप्ट करना है तो इन दैट केस क्या क्या कंडीशंस फॉलो करने होंगे, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट में तो हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, हमें क्या क्या कंडीशंस हर बार फॉलो करने. नंबर वन, आई कैनॉट टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट अगेंस्ट आउटपुट ऑफ 1% और 5%. ये मैंने आपको बताया कि हम ITC नहीं ले सकते. सेकेंड, अगर हमारे पास पहले का भी ITC पड़ा है, वी कैनॉट यूज दैट ITC फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स. वी हैव टू नेसेसरली पे दैट अमाउंट बाय कैश. नेक्स्ट, रिपोर्ट ITC नॉट अवेल्ड अंडर GSTR 3B एज पार्ट ऑफ ineligible ITC. सो अगर हम देखेंगे GST returns, उसमें 4D2 के अंदर में ineligible ITC का पोर्शन देना पड़ता है. सो इंश्योर करने के लिए कि बिल्डर ने एक्चुअली जो गुड्स रिसीव किया है, सर्विसेज रिसीव किया है, वो रजिस्टर्ड पर्सन से रिसीव किया है जिसमें उसने ITC उसका फोरगो करना पड़ा उसको, बिकॉज 1% 5% रेट है, बट उसको ये प्रूव करने के लिए कि उसने लिया है रजिस्टर्ड पर्सन से, उसको अपना जितना भी ITC वो लेता है, जितना भी ITC वो फोरगो कर रहा है और जिस उसने इनवर्ड सप्लाई विद GST लिया है, तो उसके ऊपर जो ITC फोरगो हो रहा है उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा इन दिस 4D2. They will have to do that. For new projects, the JDA, tax on JDA to be paid under RCM by developer. जो भी नए projects हैं जो 1st April 2019 के बाद start हो रहे हैं, उसमें हर केस में जो development rights है, tax on development rights under joint development agreement will be paid by developer under RCM. तो developer को जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में जो भी आपका डेवलपमेंट राइट्स का पोर्शन है जो लैंड ओनर ट्रांसफर करता है बिल्डर को, लैंड ओनर इज अ सप्लायर, लैंड ओनर विल नॉट पे टैक्स, बिल्डर वी पे टैक्स, बट दिस इज ओनली फॉर प्रोजेक्ट्स आफ्टर 1st April 2019. बिफोर 1st April 2019, वॉट एवर प्रोजेक्ट्स आर देयर, इफ एनी लाइबिलिटीज अराइजिंग दैट द लैंड ओनर इज रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज द गवर्नमेंट, बिल्डर विल नॉट बी लाइबल फॉर इट. RCM अंडर 9 सबसेक्शन 4, ये क्या बोल रहा चाह रहा है कि अगर कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं होते, RCM अंडर 9.4, अगर आप याद करो एक सेक्शन था जो बोलता है अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कुछ परचेज कर रहे हो तो आपको हर केस में रिवर्स चार्ज देना है. नाउ 9.4 का जो फॉर्म है, 9.4 का जो लैंग्वेज है, वॉट कम्प्लीटली चेंज्ड इन द फर्स्ट अमेंडमेंट विच वॉज ब्रॉट इन GST लॉ फ्रॉम 1st February 2019, वेरिन दे सेड ओनली स्पेसिफाइड केसेस एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, RCM under 9.4 will be applicable if supplier is if recipient is receiving supplies from unregistered supplier. और ये specific situation के हिसाब से RCM का notification खाली real estate के लिए लाया गया. This is the only case जहाँ पे बोला गया कि अगर आप ये conditions को satisfy नहीं करते, in that case RCM will be applicable only. क्या conditions है? Number one, अगर आप input और input services ले रहे हो, आपको मिनिमम 80% जो है रजिस्टर्ड पर्सन से लेना पड़ेगा. इनपुट और इनपुट सर्विसेज में आप एक्सक्लूड करोगे डेवलपमेंट राइट्स को, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड को, इन सब को आप अगर एक्सक्लूड करो, उसको छोड़कर आप जो भी ले रहे हो फ्रॉम इनपुट इनपुट सर्विसेज, वो मिनिमम 80% आपका रजिस्टर्ड पर्सन से होना जरूरी है. सेकेंड, कैपिटल गुड्स आप ले रहे हो तो आपको मिनिमम कोई लिमिट ही नहीं है. कैपिटल गुड्स आपको हर केस में रजिस्टर्ड पर्सन से लेना पड़ेगा. अनरजिस्टर्ड से आप लेते हो तो कैपिटल गुड्स नहीं माना जाएगा, तब आपको RCM देना पड़ेगा उसके ऊपर. थर्ड, सीमेंट के ऊपर भी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है. भले ही सीमेंट इनपुट सर्विसेज के में इंक्लूडेड है, बट सीमेंट में अलग से कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है. अगर आप सीमेंट 1 रुपया भी परचेज करते हो अनरजिस्टर्ड पर्सन से, इन दैट केस 28% RCM आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा. ऑफकोर्स जो 80% वाला कॉम्पोनेंट है उसमें भी सीमेंट एड होगा जब आप मिनिमम अमाउंट कैलकुलेट करोगे.
और जो भी शॉर्टफॉल होता है वो हमें हमेशा पे करना पड़ता है 30th June ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक अपने को पे करना पड़ता है जो भी शॉर्टफॉल अमाउंट होता है। अब एरिया शेयरिंग अग्रीमेंट की बात करें, जो बात करता है न्यू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की, न्यू रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की, जो आफ्टर 1 April 2019 में किया गया है। आप देखो, लैंड ओनर फर्स्ट केस में बिल्डर को ट्रांसफर कर रहा है डेवलपमेंट राइट्स, बिल्डर अगेंस्ट में क्या बोल रहा है कि मैं 100 यूनिट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इसमें से 40 यूनिट जाएगा लैंड ओनर के पास और 60 यूनिट डेवलपर खुद रिटेन करेगा, राइट। तो डेवलपर क्या कर रहा है, अदर वर्ड्स लैंड ओनर को सर्विस दे रहा है कि ये 40 यूनिट्स मैं आपको बना के दूंगा। सो कंस्ट्रक्शन सर्विस भी डेवलपर लैंड ओनर को दे रहा है, बिकॉज लैंड ओनर उसके बदले अपार्टमेंट्स मिल रहा है उसको, इसका मतलब डेवलपर उसको कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है लैंड ओनर को। और इसके ऊपर टैक्स कितना बोला जाएगा, सिंस रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट है, इसमें हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है कोई और रेट पे जाने का। अगर रेसिडेंट अगर अफोर्डेबल हाउसिंग है तो 1%, अदर में अफोर्डेबल हाउसिंग में 5%। और ये भी सबसे बड़ा फायदा है कि ये जो टैक्स है ये पे होगा एट द टाइम ऑफ CC ओनली, मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद ही ये टैक्स अराइज होगा। सो जो डेवलपर लैंड ओनर को सर्विस दे रहा है, भले ही वो सर्विस पहले ही दे दिया, कंस्ट्रक्शन पहले ही कर दिया और कंटिन्यूसली कर रहा है, बट उसके ऊपर टैक्स डिस्चार्ज जो करेगा वो सिर्फ एट द टाइम ऑफ CC करेगा, राइट। अब हम लेते हैं डेवलपमेंट राइट्स के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे किस तरह से उसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। अब डेवलपर की अगर बात करें, डेवलपर ने 40 यूनिट्स लैंड ओनर को दे दिया और 60 यूनिट्स खुद रख ली। अब डेवलपर ने 60 यूनिट जो खुद रख लिया उसमें से 40 यूनिट CC के पहले बेचा, 20 यूनिट CC के बाद बेचा। जो भी 40 यूनिट CC के पहले बेचा उसने, उसके ऊपर तो टैक्स रेट बायर्स के ऊपर में 1% और 5% चार्ज करना पड़ेगा एज द केस में भी, ऑफकोर्स आफ्टर प्रोवाइडिंग लैंड डिडक्शन विदाउट ITC। वंस अगेन, ये रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में कोई ITC नहीं है तो इसके ऊपर ITC नहीं मिलेगा बिल्डर को। फर्दर 20 यूनिट्स जो अनसोल्ड रह जाता है आफ्टर CC, इसके ऊपर क्या होगा, डेवलपर को रिवर्स चार्ज में डेवलपमेंट राइट पे टैक्स देना पड़ेगा। नाउ बेसिकली तो डेवलपर जो भी यूनिट्स है सारे यूनिट्स पे ऊपर टैक्स दे रहा है, बट जो डेवलपमेंट राइट है उसको लेकर बोला गया कि ओनली डेवलपमेंट राइट GST लॉ में एग्जेम्प्टेड है, बट ये एग्जेम्प्शन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इस यूनिट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। कौन से यूनिट्स के ऊपर, जो भी CC के बाद डेवलपर के एलोकेशन से बिकते हैं। आफ्टर CC डेवलपर के एलोकेशन से 60 यूनिट्स में से 20 यूनिट्स बिके, सो जो भी 20 यूनिट्स का वैल्यू है उसके ऊपर में डेवलपर को RCM देना पड़ेगा, राइट। अब इसका वैल्यू क्या होगा जिस डेवलपमेंट राइट का, इसका वैल्यू होगा जो भी सिमिलर फ्लैट्स का वैल्यू है -1/3। जो भी सिमिलर फ्लैट्स का वैल्यू आ रहा है उसके ऊपर -1/3 वैल्यू ऑफ लैंड विल बी डिडक्टेड। 75 लाख का प्रॉपर्टी है इंटू 2/3 50 लाख, 50 लाख का प्रॉपर्टी के ऊपर में RCM देना पड़ेगा। नाउ पॉइंट ये है कि हम लोग कौन सा फ्लैट लेंगे, जो CC आने के टाइम पे बिका, या फिर जैसे ही मान लो आप डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर हुआ था। अब मान लो प्रोजेक्ट आज स्टार्ट हुआ 2020 में, कंप्लीट हुआ 2023 में, 2020 में पहला फ्लैट बिका, 2023 में आखिरी फ्लैट बिका CC के पहले, इन दैट केस हम किसकी वैल्यू लेंगे। आज की फ्लैट 75 लाख पे बिक रही है, 3 साल की फ्लैट 1.5 करोड़ पे बिक रही है, 1.5 करोड़ पे बिक रही है, तो हम क्या कौन सी वैल्यू लेंगे। तो लॉ बोलता है कि 18% लेंगे हम फर्स्ट फ्लैट पे, यानी 75 लाख इंटू 2/3 इंटू 18% हम लेंगे फर्स्ट फ्लैट पे, राइट। या फिर 1.5 CR इंटू 2/3 इंटू 7.5%, या फिर 5%, आप जो भी बोलो, आप 7.5 इंटू 2/3 करो या फिर वैल्यू के ऊपर आप करो, इट डजंट रियली मैटर। आपको डेवलपमेंट राइट के ऊपर 5% देना होगा 1.5 CR पे। सो आइदर 1.5 CR पे 5%, या फिर 1.5 CR पे 5% हो गया आपका 75,000, या फिर फर्स्ट फ्लैट जो बिका 75 लाख के ऊपर 75 लाख के ऊपर 18 × 2/3, राइट, 50 लाख के ऊपर 18%, 90,000 और 75,000, विच एवर इज लोअर,
ये अमाउंट पे हमें टैक्स देना पड़ेगा आरसीएम एंड डेवलपर को। लैंड ओनर क्या करेगा, लैंड ओनर विल हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट ही इफ ही सेल्स 30 यूनिट्स बिफोर सीसी इन दैट केस ही कैन अवेल आईटीसी ऑन कंस्ट्रक्शन सर्विस एंड पे 1% ऑफ 5% जीएसटी, राइट। बट इफ ही सेलिंग आफ्टर सीसी इन दैट लैंड ओनर हैज टू रिवर्स द आईटीसी ऑन द अनसोल्ड कारपेट एरिया। Interestingly, landowner is the only person who is getting ITC here. अगर आप देखोगे developer ने landowner को construction service दी 1% या 5% पे, landowner उसका ITC ले सकता है और उस ITC को use करके वो construction service provide construction service by ITC use करके उसके बाद 1% or 5% GST pay करेगा, right? So developer is actually providing construction service to landowner. Construction service ITC is availed by landowner and he is using that for payment of output taxes. And jo unsold area reh jata hai 10 units ka, so landowner uske upar ITC apna reverse kar dega. However, yahan pe ek bahut important element hai. Agar aap dekhoge developer jo landowner ko construction service de raha hai, uska tax CC ke time pe payment kar raha. Whereas landowner jo units hai 30 units वो सीसी के पहले ही बेच दिया, सो काफी बड़ा पोर्शन लैंडओनर ने ऑलरेडी सीसी के पहले रियलाइज कर दिया। जो भी अमाउंट लैंडओनर ने सीसी के पहले रियलाइज किया उसको लैंडओनर को देना पड़ेगा कैश में। Whereas when developer is actually charging to the landowner, he is charging at the time of CC, right? So if developer is charging to the landowner at the time of CC, in that case, the ITC is getting accumulated for the landowner. Why? Because he is in the beginning paying in cash, whereas when he actually receives the ITC, he may not be having the same amount of output taxes. So in that case, landowner is basically at a loss because he is actually receiving the goods at lower rate, he's receiving the services at a later date, and he's providing the output supplies at a earlier date. So this is actually the issue with regard to this particular aspect which has been given by the government. So what the landowner should try in that case is ask the developer to bill to him on a regular basis. Now if you look at the notification number 4/2019, which talks about 6/2019, which talks about the deferment of tax payment of tax up to CC, according to me that notification is only giving a benefit by deferment of taxes. If the developer wants, he can obviously pay taxes at the earlier date. Though there may be an against argument taken by the department, they may say that you cannot pay taxes earlier. So if tax, according to me, there is no provision in the law which does not allow me to pay taxes earlier than when I should have paid. So if I pay taxes that earlier than when I should have paid, the developer will provide an invoice to landowner. Landowner can then avail the ITC, and using that ITC, it can pay taxes on the output services which are on the sold units. So this is the ideal way to go about it. So as a landowner, I would advise any person to always try and get an invoice for construction service from the developer earlier than the date of CC, immediately before he starts selling his flats. Now revenue sharing agreement. So landowner here is transferring. So, अगर आप देखा होगा हमने लास्ट केस में बात किया था एरिया शेयरिंग अग्रीमेंट का, वेयर लैंड ओनर हैड ट्रांसफर्ड द डेवलपमेंट राइट एंड डेवलपर हैड गिवन अ कंस्ट्रक्शन सर्विस टू लैंड ओनर। इन केस ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग अग्रीमेंट, लैंड ओनर इज गिविंग डेवलपमेंट राइट टू द डेवलपर एंड डेवलपर के पास 100 यूनिट सारे के सारे रिटेन हो जाते हैं, राइट। एंड डेवलपर इन टर्न इज नॉट प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विस बैक, बट ही इज ओनली गिविंग अ शेयर ऑफ द रेवेन्यू बैक टू द लैंड ओनर। So in respect of these 100 units which are sold by the developer, if let's say 70 units are sold before CC, in that case, 1% or 5% as the case may be, developer will charge the buyer. For the flats which are sold after CC, developer will have to reverse the developer will have to pay the taxes on development rights under RCM. Now, once again, the law is saying only the unbooked flats will be subjected to RCM. So on 30 units which are subject to RCM, I will have to calculate based on the carpet area of these 30 units. Once again, I will have to find out the first flat value. First flat will be 18%, last flat will be 5%, whichever is lower, I'll be paying taxes based on that. And here, landowner is not required to pay taxes,
because landowner is providing transfer of development rights on which developer is paying under reverse charge on the 30 units, whereas developer, when selling these units, he is paying taxes without ITC, right? So based on this, the entire transaction gets completed. If you look at this, compare this area sharing agreement, here the land developer is only reversing ITC on 20 units. But here in a revenue sharing, is reversing ITC on 30 units. That means your ITC was actually belonging to the landowner, which landowner would have reversed in area sharing agreement. Here, the landowner is not reversing. Here, developer is reversing. So this agreement, if I compare this on a plain and simple basis for new residential real estate projects, in that case, developer is losing more in this case of revenue sharing. Why? Because he is reversing taxes based on development rights on the landowner's portion of the flats as well, 10 units as well. Okay. Area sharing agreement in case of commercial project ki baat karte hain, right? Now, here, landowner is providing transfer of development rights for 60 units. Developer is in turn providing construction service to the landowner. Once again, on this, since it is a commercial project, ITC is eligible. So developer will charge to the landowner based on 12%, yani 18% into 2/3. But this again, time of supply will be at the time of CC as per 6/5/2019 notification. Construction service taxes will be charged at time of CC. And also, developer will also be paying on RCM for the development rights. So developer will pay under RCM on the development rights. But isme ek bahut bada question mark aa jata hai. Here, if you look at the value of development rights as per law, it says that value of similar apartments is to be taken. It does not talk about less the transfer of land value. Now, there are two arguments which can be taken here, two different point of views which can be taken here. The development rights ka tax rate kya hona chahiye? First, since transfer of land is not provided less, it is not to be reduced in case of development right. So let's say construction jo hua tha, ek ek flat ka value was 1 CR, jo landowner ka lot kiya gaya, to 40 units into 1 CR, 40 CR. On entire 40 CR, 18% tax hona chahiye. That is one view. Second view is that since developer is providing construction service to the landowner, jo 1 CR ka hai, in that case, there's also a deduction of land which is being provided. 1/3 ka deduction hai. That means jo value of apartments hai, वो 1/3 के बाद हो रहा है, which is the view which I am subscribing to. That means 1 crore का value जो पूरा value है, including land, उससे reduce होना चाहिए 1/3, because construction service जो provide हो रहा है, value of similar apartments पे वो 1/3 deduction के बाद हो रहा है, यानी 67 lakhs पे हो रहा है. Development rights जो बात करता है कि we have to take the value of similar apartments, so value of similar apartments में भी तो land deduct होता है. So in that case, development rights में भी तो land का value deduct होना चाहिए. That is why rate should be 12%. However, this may be subject to some litigation. In my humble opinion, it should be 12%. Uske upar 40 apartments, yani landowner ko jitna bhi apartments allocate hua hai, yahan pe unsold apartments nahi hai. Commercial projects mein unsold apartments nahi hai. In this case, all apartments which are unsold will, in all apartments which are allotted to the landowner, uske upar development right ka tax lagega. So equivalent value of construction service, equivalent value of development rights. Developer पहले क्या करेगा, he will be paying taxes in cash on reverse charge basis for development rights. He will take that ITC and provide output service of construction service to the landowner. Both values will be equal and he would have to only pay for the RCM in cash. Landowner क्या करेगा, construction service का ITC लेगा और उसमें से 40 units में से 30 units before CC बेच देगा, उसके ऊपर ITC on construction service लेगा और 12% GST output पे दे देगा, right? And thereafter, whatever flats are unsold, उसने 40 units पे ITC लिया, the 20 units, that means the 25% flats which are unsold, on that landowner is required to reverse his ITC. Now developer, he's selling the flats, he's selling 40 units before CC, right? Assuming out of 60 units, he's selling 40 units before CC. Once again, developer will get ITC on this and he will pay output tax at the rate of 12% by taking ITC, right? And the flats which are unsold after CC,
right? The flats which are unsold after CC also, there'll be an ITC reversal involved, right? So on the 20 units, out of 60 units, whatever ITC has been availed, there'll be a reversal on that. That means 100 apartments mein se developer ne 40 units buyer ko bech, 40 units buyer ko becha, 40 units landowner ko diya, aur 20 units unsold raha. So 20 units ke upar ITC will be reversed. Now revenue sharing agreement commercial projects ki agar baat karein, landowner is providing transfer of development rights to the developer. Developer is now selling units, let's say 70 units they are selling before CC and 30 units after CC. On the 70 units which are sold before CC, they can take ITC on that because it's a commercial project or a real estate project as we call it, and 12% will be paid with ITC for construction services. And whatever units are sold after CC, there'll be an ITC reversal based on the unsold area at the time of CC, of course. So tax pay hoga at the time of CC hoga. However, इसमें एक चीज ध्यान में रखने का है कि रेवेन्यू शेयरिंग में डेवलपमेंट राइट्स के ऊपर टैक्स इज नॉट एट द टाइम ऑफ सीसी. इन ऑल अदर केसेस आई वाज सेइंग डेवलपमेंट राइट्स वुड बी टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ सीसी, बट इन केस ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग टैक्स विल नॉट बी एट द टाइम ऑफ सीसी, रादर डेवलपमेंट राइट्स के ऊपर टैक्स रेगुलर बेसिस पे लगता रहेगा. 18% 12% का लॉजिक मैंने आपको बता दिया था कि क्यों दोनों में से क्या होना चाहिए, और मेरा व्यू पॉइंट ऑफ व्यू 12% होना चाहिए, दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड. Now, development rights is in this case, what will be the value that will be taken? Here, it's easier to adopt because whatever the developer is selling, if he's, let's say, transferring 40% to the landowner, the actual monetary consideration received by the landowner is available with them, right? So, developer, whatever portion he's transferring to the landowner, developer will be paying under RCM. And he will keep on paying under RCM. So, developer will keep on paying under RCM for the share of the landowner. For the 40% of the flats, whatever the landowner, 40% of the revenue which the landowner is getting, developer will keep on paying taxes under RCM. They will avail the ITC and they will pay output taxes at the rate of 12%. Here, one of the major issues that we face is that whatever ITC availed by the developer, that may be at a value which may not be something which may not be available as complete input tax credit. Matlab, see, developer is having construction cost wherein most of the materials are at 18%. His output is at 12%. Whereas development right, if it is taxable at 12% also, then also there's a huge ITC accumulation which in the revenue sharing agreement most of the people face, right? So this is one of the major areas which we usually face, wherein in the revenue sharing agreements, in case of commercial project, there's an ITC accumulation which happens. Now, development rights ke upar tax kab kab diya jayega? It will be paid as per the continuous supply of services definition. So, continuous supply of services kya bolta hai? When is the last day to issue an invoice? First, when due date of payment is ascertainable from the contract. Contract mein likha hai ki ye due date hai, is din tak aapko pay karna hai. So, on or before the due date of payment, number one. Second, due date is not ascertainable before or at the time when the supplier actually receives the payment. So, jab actual mein payment receive hua supplier ko, that is the time when this continuous supply of service would arise, last date of issue of invoice would arise. The payment is completion linked to completion of an event. Yani maan lo aap first floor casting complete hua, second floor casting complete hua, 10% 20% pay karna. Just as event complete hua, वैसे वैसे last date of issue of invoice आ जाता. अगर invoice इसके पहले raise हो जाता last date के पहले, तो माना जाएगा उस दिन पे development rights के ऊपर tax लग जाएगा. अगर invoice इसके बाद raise होता है, तो last date को ही tax लग जाएगा, उसके बाद वाले दिन tax नहीं लगेगा. Of course, अगर payment advance में आ जाता है हमारे पास में, तो advance के ऊपर tax लगेगा. राइट, सो ये इम्पोर्टेंट है. नाउ हम कुछ कुछ इश्यूज की बात करते हैं जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आज तक प्रेजेंट है. सो वी कवर दीज इश्यूज व्हिच आर मोस्टली वेरी कॉमन व्हिच रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज इवन टुडे फेस. वन इज डिडक्शन ऑफ लैंड एट 1/3 वैल्यू. कैन 1/3 एडहॉक वैल्यू बी प्रोवाइडेड फॉर लैंड? कैन वी कंपेयर टू लैंड्स व्हिच आर इन टू डिफरेंट प्लेसेस? वन इज इन द लेट्स से इन नवी मुंबई एंड इन And the other is, let's say, in Nariman Point. So in Nariman Point, the rate
may be very high with the prop with regard to the property of the land. So वहाँ पे हो सकता है 80-90% value of land ही हो, but Navi Mumbai which is still under construction, नए projects आ रहे हैं वहाँ पे may be the land value may be much lower. So can we take this as an ad hoc basis? To be honest, there have been cases where people have tried to segregate the value of land and building. Of course, the advanced ruling authorities are more adverse ruling authorities, so they have given a judgment that you cannot segregate it. But in future, if somebody wants to do it, there can be a basis of saying that land value and building value are separate, and land value, since it is not, it is more than 1/3, one can say that tax should not be paid on 2/3 of the value, because in a sense, what would happen is, jahan pe आप मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है बट 80% लैंड का वैल्यू है, इन दैट केस आप 1/3 पे अगर टैक्स पे कर रहे हो, दैट मींस यू आर एक्चुअली पेइंग ऑन द लैंड वैल्यू एज़ वेल. सो दिस एड हॉक वैल्यू कैन बी क्वेश्चन इन फ्यूचर, हाउएवर व्हाट द आउटकम इज वी विल हैव टू वेट एंड वॉच. सेकेंड इज चार्जेस लाइक PLC, EDC, IDC. PLC क्या हुआ? प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस. EDC एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क्स. IDC हुआ इंटरनल डेवलपमेंट वर्क्स. इंटरनल डेवलपमेंट वर्क्स यानी कि कॉमन एरिया का आप अलग से चार्जेस ले रहे हो. एक्सटर्नल डेवलपमेंट मतलब अलग से कोई गार्डन बनाए हो, स्विमिंग पूल बनाए हो, इसका चार्जेस ले रहे हो. लीगल चार्जेस आप लेते हो अगर लॉयर से कोई ड्राफ्टिंग कराते हो अग्रीमेंट का. कार पार्किंग का चार्जेस, क्लब मेंबरशिप, मेंटेनेंस आफ्टर कंप्लीशन, ये बहुत सारे चार्जेस अलग अलग बोल के लिए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द कंस्ट्रक्शन सर्विस. क्वेश्चन कम्स इन, इफ कंस्ट्रक्शन सर्विस इज एट 5%, कैन ऑल दीज चार्जेस बी ऑल्सो चार्जेबल एट 5%? Or whether all these charges are standalone supplies in themselves, or they should be charged at 18%. So to be honest, if you look at car parking charges, club membership, maintenance after if you look at club membership and maintenance after completion, these two definitely cannot be included because these are not naturally bundled. Ye dono charges to definitely iske bahar hain, iske upar 18% hona chahiye. With regard to preferential location, according to me, preferential location is an ancillary supply. Legal charges, external development, आप car parking की सब चीजों को आप flat के साथ ही लेते हो. These are already always naturally bundled. इनके साथ ही मिलता है ये service. That's why I personally believe it should be considered as composite supply. Having said this, again a very big area of litigation in future, because the government will say no, and we have also got Bengal housing ke case mein we have also got an against AAR when in the appellate advanced ruling authority have said that these charges are not a composite supply, these will not be considered as composite supply, iske upar tax 80% lagega. However, in my humble opinion, it should be considered as composite supply. Kal kya hota hai, we'll have to wait and watch. All these are issues which are still open. Next is ITC accumulation in the hands of the landowner due to timing differences. This I had discussed. Next is sale of developed plots. Now again, this is a huge area of disputes, to be honest. Iske upar ek alag session ho sakta hai. It's such a big area of discussion, to be honest. But just to give an idea about this, land is per se not a supply. Sale of land is not a supply. But agar koi plot hai jahan pe ek maan lo swimming pool hai, gym hai, aur there are other services also which are provided over there. आप उसके ऊपर अलग से इलेक्ट्रिकल वायरिंग करके रखे हो, देयर इज अ प्रॉपर ब्यूटिफिकेशन गार्डनिंग व्हिच हैज बीन कैरीड आउट, डज दैट प्लॉट रिमेन एज अ लैंड? टू माय हम्बल ओपिनियन, इफ यू ओनली टॉक अबाउट बेसिक फैसिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और ऑल दीज फैसिलिटीज और गार्डन व्हिच इज मेकिंग इट हैबिटेबल, हियर द प्रिंसिपल सप्लाई इज दैट ऑफ लैंड ओनली. एंसिलरी सप्लाई मे बी दीज charges of development which may be recovered from the buyer, but these are all charges wherein this is a sale of land only, so it should be considered as sale of land, right? Having said this, or jo agar aap club charges bologe ya fir if you talk about gym charges, all these are separately there, swimming pool charges, if you include all these, then it may be very difficult to justify that you are actually selling plots only. So ideally, if you are actually recovering charges for land separately and for swimming pool, gym, all these separately, then on these swimming pool, gym, GST is definitely applicable, right? On land, it would not be applicable. GST on electricity, water collected from actual basis from tenant. Now, agar koi renting, if let's say I'm giving a property on rent,
what if I'm charging electricity, water charges, all these I'm charging on actual basis from the tenant, right? If it was liable to be paid by the tenant and the landlord is merely a facilitator in between, landlord is only paying on behalf of the tenant, in my humble opinion, it is a pure agent. But as per the agreement, if it was liable to be paid by the landlord and landlord is recovering not on actual basis from the tenant, in that case, pure agent nahi hoga. In that case, GST may be applicable. Also, one major issue with people face is, what if there's a waiver of rental during the time of COVID? Now, there's a waiver of rental in a lot of places where they are not charging for 3 months, 4 months, they have not charged rent. Whether GST will be liable? To my humble opinion, services have not been provided. As per the contract law, the one person fulfills the end of the promise, the other person would be required to fulfill the end of their promise by paying the consideration. Wherever there's a force majeure event, like COVID is now declared as a force majeure event, that means it's like an act of God. So if that kind of event is there, which is outside anybody's control, in that case, it should not be, according to me, chargeable to GST, because at that time, whatever, there has been no services provided. Without any supply, there cannot be any GST. So supply has to be the primary content, and there is no contractual obligation which has been fulfilled by the landlord also, because he could not provide the property on a rental basis, right? So that is something which is very important. What if occupancy certificate is not issued? How to determine first occupation? To be honest, if occupancy certificate is not there and if you want to determine first occupation, first of all, it is very difficult to justify that first occupation will happen, because the builder would never say that I have allowed my buyer to occupy the property without getting any certificate from the department. It's like an illegal occupation. Illegal occupation may not be considered any occupation at all. So without occupation certificate, it is very difficult. Where occupation certificate is not required altogether, in that case, maybe when the architect says it's habitable, after that, the first occupation takes place, it's more logical, right? Then we can say our first occupation has happened. What if project not registered under RERA? A lot of projects which are smaller level projects having less than 8 residential units, in that case, if they are not registered under RERA, there are a lot of definitions here which have been taken from RERA. Can these definitions be applicable to GST law simply because RERA is applicable in case of other projects? To be honest, this is a huge question mark which is yet to be answered. Where RERA is not there, project is not required to be registered under RERA. It is not required to be registered. Whether the definitions of RERA would be applicable will be a very big area of question mark. Right? So with this, we come to the end of our discussion, which I had been given. We have discussed this topic extensively with regard to real estate. I've tried to make it very simple here to make sure everyone understands the issues which are with regard to this particular industry. And I would now ask Mr. Abhishek, sir, to please take forward this discussion. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. It has been truly wonderful discussing this with all the viewers here. Thank you, Shubham ji. And it's always a delight to listen to you. Your deliberations, your discussions. As a student, having a session after lunch is always a tough thing. लेकिन मैं आपके सेशन में जागता रहा था, बहुत डीप में सुनता रहा था, एंड टुडे आल्सो इट हैपेंड सेम वे. बहुत अच्छा लगा. यू हैव एट अ वेरी यंग एज यू हैव सच अ क्लैरिटी ऑन टॉपिक. मतलब इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म. मेरे को सिर्फ एक इशू रियल स्टेट में ये लगता है, फॉर एग्जाम्पल, इफ समथिंग इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, एग्जम्प्ट है, फॉर एग्जाम्पल, I'm not talking what law says. Concept की बात करते हैं real estate में, कि अगर हम कोई चीज पर, मैंने मान लीजिए मेरे
एक एक मिनट के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं कार लेने गया और उस कार पर जीएसटी नहीं है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, और सारी कार एक जैसी बनती है। मैंने जाकर वहां टोकन अमाउंट 50,000 दे दिया, 5 लाख की कार है। तो जब मुझे 5 लाख की कार मिलती है तो भी उस पर जीएसटी तो लगता नहीं क्योंकि मैंने एडवांस दिया। लेकिन जब एक बिल्डर के पास मैं जाता हूं और बिल्डिंग वो सारी एक जैसी बनाकर देता है, लेकिन मैं अगर कुछ पैसा एडवांस दे देता हूं और वो बिल्डिंग में कुछ चेंज नहीं करता, तो ये इस पर जीएसटी लगाना, या तो वो एडवांस लेकर कंपोजिशन में चेंज कर रहा हो, मतलब नॉट गोइंग विद द कि लॉ क्या कह रहा है, मतलब इज इट लॉजिकल? सर, टू बी ऑनेस्ट, ये लोग ने क्या किया ना, जो भी पुराने सर्विस टैक्स रिजीम थी उसमें व्हाट दे हैव डन इज कि उसमें भी टैक्स क्या था, हमारे सर्विसेज के ऊपर में एडवांस पर था और वैट गुड्स में एडवांस के ऊपर नहीं था मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में। कहीं कहीं था भी, जैसे महाराष्ट्र में था, बट हर केस में नहीं था। जहाँ एडवांस पर टैक्स नहीं था वो लोग ने कंटिन्यू किया जीएसटी में भी। तो गाड़ी खरीदते हैं तो वहां पर एडवांस पर टैक्स नहीं करवाया, जहाँ पे सर्विसेज रह गए वहां पे ये लोग ने 2012 में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स लाया था, जहां पे ये लोग ने बोला कि आपको इस पॉइंट के बेसिस पर टैक्स देना पड़ेगा, या तो आपने इनवॉइस दिया या आपने सर्विस प्रोवाइड किया, सर्विस इनवॉइस दिया या फिर आपने पेमेंट रिसीव की, विच एवर इज अर्लियर। इन लोग ने देखिए आज तक ये कॉन्सेप्ट जीएसटी में भी कैरी फॉरवर्ड करके रखा। गुवाहाटी हाई कोर्ट का एक डिसीजन है कि राइट एडवांस पर जीएसटी वो सर्विस टैक्स नहीं देना, पुराने लॉ में आया था। 2010 का था वो सर जजमेंट। जी सर, यस सर, पुराने लॉ में आया था, तो मेरे को समझ में नहीं आता व्हाई दे चार्ज टैक्स ऑन दिस, क्योंकि अदरवाइज ऑल्सो आप स्टैम्प ड्यूटी तो ले ही रहे हो हमसे, सेम जितनी भी बात। बार परचेज होती है उस उतनी बार आप स्टैम्प ड्यूटी लेते हो। उस स्टैम्प ड्यूटी में कोई रिलैक्सेशन तो मिलता नहीं, कोई वैल्यू एडिशन तो है नहीं। स्टैम्प ड्यूटी तो फ्लैट लगती है कि मैं, मान लीजिए मैंने आज फॉर एग्जांपल 20 लाख का घर खरीदा, तो आपने मुझसे स्टैम्प ड्यूटी ले ली, मैंने कल 25 का बेचा तो 25 पर भी ले ली। ये तो कहते नहीं कि भाई 20 पहले, 20 पर पहले मिल चुकी तो 5 लाख पर ही दो अग्रीड ना। सो इट सर, हैज अ कास्केडिंग इफेक्ट एब्सोल्युटली, एंड रियल एस्टेट हैज अ वेरी बिग कैस्केडिंग इफेक्ट अनडाउटेडली, सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट सर। बाकी पूरी बिल्डिंग तो एक जैसी है, तो किसी ने सर अगर अभी तो अगर रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स में जब से आईटीसी मिलना बंद हो गया, देयर इज अ ह्यूज कैस्केडिंग इफेक्ट गोइंग, बिकॉज इतना बड़ा बिल्डर का कॉस्ट है जो वो एक्चुअली सामने वाले को ही पास ऑन करता है। सो जो हमने अभी बात करी कि रेट कम हुआ है टैक्स का, 12% से शायद 1% हुआ है, 5% हुआ है, वो टैक्स एक्चुअली कम नहीं हुआ है। जो बायर रहेगा, बिल्डर अपना सारा कॉस्ट उसी को पास ऑन करेगा, ऑफ सो वो कोर्स सिर्फ यस, 1% नहीं दिखेगा सर उसका, बायर को 1% दिख रहा है बट वो पे ज्यादा कर रहा है पहले से ज्यादा। तो मतलब एंड रियल एस्टेट इज वन, रियल एस्टेट इज सेकंड हाईएस्ट, सॉरी फोर्थ हाईएस्ट एम्प्लॉय जनरेशन में आती है, और सेकंड सही बात हाईएस्ट इन अनएम्प्लॉयड कैटेगरी। तो सही आई बात डोंट नो व्हाई दीज लॉज आर मेड लाइक दिस, बट यू हैव एक्सप्लेन ब्यूटीफुली विद इन डेप्थ डिस्कशन। थैंक यू फॉर योर टाइम थैंक यू सर। एंड फॉर सच अ वंडरफुल डिस्कशन। आई होप कि जिसको भी कोई क्वेरी रह गई होगी वो खुद ही सॉल्व हो गई, क्योंकि आज कोई क्वेश्चन नहीं आया, दैट मीन्स आपका इतना इंटरेस्टिंग था कि सबके क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। मेरा जरूर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कभी मेरा चैनल जब बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको एक बार फिर बुलाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बढ़िया आपने बोला, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर, ऑल हैव द यू गॉट, बेस्ट थैंक विशेस फॉर योर चैनल सर। यू सर। और कल हमारा डिस्कशन 4 बजे होगा सीए तानिया गुप्ता जी से, और हमारा कल का टॉपिक होगा एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक्स अ लॉट।